मेरा नाम हो गया प्रमोद कुमार दास, मेरा घर हो गया समस्तीपुर। मैं बहुत ही जगह आँख को दिखवाए, पटना भी दिखवाए, शंकर नेत्रालय गए, चेन्नई का जो ब्रांच है कलकत्ता, वहाँ जाने के बाद भी इलाज करवाए, पैसा खर्च हुआ, इलाज सफल नहीं हुआ मेरा। लास्ट में हम लहान में भी दिखवाए, वहाँ लमसम 5-6 साल इलाज करवाए, कुछ सुधार नहीं हुआ। तो मोतियाबिंद हो चुका था, हम कहे सर कैसे क्या होगा, तो बोला इसका आँख का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। नेपाल दिखाने के बाद मेरा राइट आँख का ऑपरेशन हुआ, उसमें रोशनी नहीं आई। हम बोले सर इसके लिए कोई उपाय, बोला इसका कोई उपाय नहीं है। बहुत जगह दिखवाए लेकिन सब मना कर दिया, बोला चश्मे पहन करके जिंदगी गुजारो। इनके बारे में यूट्यूब पर वीडियो देख देख करके बहुत दिन से हम संतुष्ट हो रहे थे, वीडियो देख रहे थे, जब अब हम जाएंगे वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इतनी मन खुश हुई हमको जब भगवान से मिल गए हैं, आए हैं इनके चरण में, तो जो भी हो। सो मैं आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन दिखा रहा हूँ, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रमोद जी का राइट आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहीं और हुआ था, और उसके बाद उस ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई तो नज़र आई नहीं। तो प्रमोद जी काफ़ी घबराए हुए थे कि एक आंख में गड़बड़ हो गई है, पता नहीं दूसरी आंख में गड़बड़ ना हो जाए, तो दोनों आंख चली जाएंगी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो हमने ये सारा समझते हुए प्रमोद जी के लिए सबसे सेफ सर्जरी को चूज़ करा है, विच इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटरेक्ट सर्जरी। अब ये सर्जरी इतनी सेफ है क्योंकि सारा काम या मेजॉरिटी काम मशीन से हो रहा है, तो मशीन खुद ही ओपनिंग बनाती है, खुद ही लेंस को काटती है और घोलती है और हमारे लिए कंफर्टेबल कर देती है। तो ओवरऑल सेफ्टी जो है इस प्रोसीजर में वो मेनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। सो ये सारा ध्यान रखते हुए फिर सर के लिए हमने ये चूज़ करा है। तो बस शुरू कर रहे हैं, एंड फर्स्ट स्टेप लेज़र वाला स्टेप है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेज़र काम कर रहा है और मोतियाबिंद को घोल रहा है। तो इस स्टेप में करीब 10 से 20 सेकेंड लगते हैं, एंड उसके बाद हम पेशेंट को दूसरी ओटी में शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे पेशेंट की आंख में लेंस डाला जाएगा। तो सारा कुछ दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि ये ऑपरेशन कैसे करा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बहुत अच्छा हो गया। प्रमोद जी कोई दर्द तो नहीं हुआ? नहीं। वेरी गुड। तो बस अब हम आपको प्रमोद जी दूसरी ओटी में ले जाएंगे, जहाँ पे 5 मिनट का काम और बचा है आंख में लेंस डालने का। शाबाश। जैसे सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? विजन ठीक है? एक बार चश्मा हटा दीजिएगा, नीचे देखिए, एक बार नीचे की तरफ देखो, ऊपर देखो, ऊपर एक बार मैं विजन चेक करता हूँ, ठीक है? ये नंबर बता दो। 4-2-3-5-2-5-0-2 गुड। 3-5-7-4 अभी 5-4-7-2-3-0 7-5-2 वेरी गुड। 4 हाँ 3-7 वेरी गुड। अभी आप 6-9 पढ़ रहे हो, ठीक है? पहले 18 नंबर पहनते थे और तब भी नहीं कुछ पता चल रहा था, गाड़ी जैसे आती तो बुझा रहा था कि गाड़ी मेरा अब ठोक देगा गाड़ी। अब तो उस पहले से तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर भी लग रहा है, माने अपने आप के जम रहे, जम चश्मा मेरा मुक्त हो गया। आपका लेफ्ट आई का हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया एंड बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आई है, चश्मा पहनने की जरूरत नहीं। तो प्रमोद जी हम ये समझना चाह रहे थे कि जब आपने राइट आई में मोतियाबिंद आया था तो इसका ऑपरेशन कहाँ पे हुआ था? नेपाल में करवाए थे, लहान में। ओके, तो ऑपरेशन के बाद आंख में नजर नहीं आई? नजर नहीं आई। तो क्या प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम पे? वो बोले कि आँख में पर्दा फटा हुआ है। ओके। हम बोले कि इसका कुछ उपाय कीजिए इलाज करने का, तो बोला कि हम ऑपरेशन करते हैं, इसका गारंटी नहीं लेंगे। अच्छा, ओके। और ऑपरेशन करने के बाद भी आँख में रोशनी आई नहीं, हम बहुत जगह दिखवाए, हम
पटना भी लिखवाएं। तो ये हमें समझना जरूरी है कि जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि देखिए मोतियाबिंद में जब रोशनी कम होती है तो आंख का जो लेंस है ये हमारा सफेद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आंख में जो लाइट आ रही है वो इस सफेदी की वजह से रुक जाती है और पर्दे तक पहुंच नहीं पाती। तो हमें इस लेंस को निकाल के नया लेंस डालना होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो रोशनी आती है वो हमारे पर्दे से आती है। पर्दा हमारे एक नस से दिमाग को रोशनी भेजता है। तो अगर पर्दे में कहीं कमी है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप करवा भी लोगे तो रोशनी नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो इसीलिए जब भी आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्दा प्रॉपरली चेक हो, क्योंकि अगर पर्दे में कोई कमी है तो ऑपरेशन के बाद नजर आपकी नहीं आएगी। और ये आपका डॉक्टर यूजुअली आपको बता के चलेगा कि मोतियाबिंद के बाद रोशनी बढ़ने की उम्मीद कितनी है, ये आपका डॉक्टर आपको पहले से ही समझा देते हैं। हम जो भी डॉक्टर साहब से बतियान की बात की है वो हम संतुष्ट हैं, उससे अच्छा है, नज़र पहले से बेहतर आई है। एक आँख तो मेरा पूरे डैमेज हो गया था, तो इस आँख से हम ऑपरेशन करवाने के लिए भी डर रहे थे, देखा ये भी मेरा कहने चला जाए, लेकिन यहाँ आकर के मेरा सक्सेसफुल हो गया। काम तो आप पूरी अच्छा कर सकते हैं, माने जितना हमको अच्छा चाहिए उतना हो गया है। डॉक्टर साहब का उनका विचार और बेहद बहुत अच्छा लगा, उनका इलाज बहुत सफल हुआ हमारे साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हुआ, माने नया टेक्नोलॉजी से हुआ, लेटेस्ट लेंस डाला,